मेरे ख्याल में तो है, होना नहीं चाहिए, सब जो है सब मार देने चाहिए बस। आपको क्या लगता है कि पीडीएम 90 डेज में इलेक्शन होने देगी, कोई नया हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेगी? वो करना तो चाहेंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे तय किया हुआ है कि 90 डेज के अंदर करवाना है, वरना आर्टिकल 6 लगेगा इन पे। लेकिन ये कोशिश फुल करेंगे कि कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, कि ऐसा हो कि हम भाग जाए इलेक्शन दे, लेकिन इमरान खान इनको भागने नहीं देगा। होने तो चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर उसके ऊपर अमल नहीं होगा तो फिर मुल्क में आईन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। चलो 4 साल इमरान खान को हुकूमत मिली थी ना, इसको साल पूरा कर लेने देते ना तो फिर इन्हें पता चलता। ये तो बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ का हुआ है, जिसने ये सारा गंद उनका जो था वो अपने गले में डाल लिया, सारा कुछ कर कर आके क्यों किया तुमने, अब भुगतो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम रोज। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के इतने बुरे हालात की वजह की मिली जुली हुकूमत है और इसका वाहिद एक ही हल है कि इलेक्शन कराया जाए। उम्मीद तो बर आ चुकी है कि इलेक्शन होंगे, तो आइए इसके बारे में आवाम से जानते हैं कि लोग कितने पुर उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। आपको पता है आज इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई? हाँ जी, अभी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि विदिन द 90 डेज इलेक्शन करवाए। आपको क्या लगता है कि पीडीएम 90 डेज में इलेक्शन होने देगी, कोई नया हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेगी? वो करना तो चाहेंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे तय किया हुआ है कि 90 डेज के अंदर करवाना है, वरना आर्टिकल 6 लगेगा इन पे, क्योंकि ये गद्दारी के मुकदमे में आता है, तो किसी सूरत में वो डिले कर नहीं सकते। लेकिन ये कोशिश फुल करेंगे कि कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, कि ऐसा हो कि हम भाग जाए इलेक्शन दे, लेकिन इमरान खान इनको भागने नहीं देगा। इलेक्शन से भागने की क्या वजह है? भागने की वजह यही है कि जितने भी अभी इलेक्शन हुए हैं, जिमनी इलेक्शन हुए हैं, आप देख राजनपुर का इलेक्शन देख ले तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आती, मतलब कि इनके सारे कैंडिडेट मिलकर भी इमरान खान जितने वोट नहीं ले पा रहे। आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है ये सारी चीज़ें खराब हुई ये ठीक हो जाएंगी, मुल्क में बेहतरी आएगी? डेफिनेटली बेहतर आएगी, जब आवाम अपने नुमाइंदे खुद सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अभी पब्लिक में बहुत इस वक्त डिस्ट्रस्ट है, कभी रेट बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, ना इनके पास कोई विजन है, कभी कहते हैं ऐसा करना है, पैसे वहाँ से आ जाएंगे, जैसे वो उधार से कोई घर नहीं चल रहा होता वैसे मुल्क चलाना चाहते हैं। तो पब्लिक अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेगी, 5 साल के लिए आएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस होगा कि मुल्क की हमने डायरेक्शन सेट करनी है, IMF हम पे ट्रस्ट करेगा कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट है, वर्ल्ड बैंक ट्रस्ट करेगी, हमारे फ्रेंडली कंट्री ट्रस्ट करेंगे, अदरवाइज किसी ने भी नहीं करना। 90 डेज में इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई 90 डेज में हो पाएंगे? होने तो चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर उसके ऊपर अमल नहीं होगा तो फिर मुल्क में आईन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। आपको क्या लगता है कि पीडीएम कोई नया तरीका अपनाएगी इलेक्शन रोकने के लिए? अब ये तो नहीं पता कि उनके पास और क्या है ट्रिक्स उनकी पॉकेट में, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जो इस मुल्क का कानून है और जो आईन है उसी की पाबंदी होनी चाहिए और इलेक्शन फेयर होने चाहिए। इलेक्शन से क्या बेहतरी आएगी? पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान में इस वक्त अनसर्टेंटी है, आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी रुकी हुई है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क आगे नहीं जा सकता। आप किसको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म वो होना चाहिए जो ईमानदार हो, जिसका इस मुल्क से ताल्लुक हो, जो बाहर ना भागता हो और इस मुल्क के लोगों के लिए दर्द रखता हो, ख़ासतौर पर आपके लोअर क्लास के लिए। इस वक्त वो कौन है? इमरान खान ऑफ कोर्स। देखा जाए, चलो 4 साल इमरान खान को हुकूमत मिली थी ना, बड़ा होता है 4 साल, 5वां साल तो इलेक्शन का था ना, ना बेड़ा गर्क होता शहबाज शरीफ का, ना इसका ये इनका होता, इसको साल पूरा कर लेने देते ना तो फिर इन्हें पता चलता। ये तो बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ का हुआ है, जिसने ये सारा गंद उनका जो था वो अपने गले में डाल लिया, सारा कुछ कर कर आके क्यों किया तुमने, वो अब भुगतो। तुमने पार्टी भी ख़राब की, तुमने अपनी रेपुटेशन भी ख़राब की, तुमने एक ऐसे बंदे को जो कि ज़ीरो था तुमने हीरो बना दिया, तो कसूर तो इनका है, उसका तो नहीं है, उसने तो शुक्र अदा किया, वो तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल एक प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि वो टोटल फेल हो चुका था, टोटल हर बंदा उसको गालियाँ निकाल रहा था, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं थी। वोट किसको देना है? मैंने नवाज शरीफ। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद है, वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट काम करवाते हैं दूसरों की निस्बत। नवाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को। तो अभी भी तो उनकी हुकूमत है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा महंगाई, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो महंगाई इमरान खान करके गया है ना कि वो। ये बाकी सारी जो यूथ है, ये लोग हैं इतने सारे, ये इमरान खान के साथ क्यों है फिर? यंग जनरेशन ज़्यादा है इमरान खान के साथ, और जो बाकी हैं वो नहीं है, लोग उनको ज़्यादा आई थिंक सो उनको एज अ क्रिकेटर ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से उनके साथ। 90 डेज में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन हो पाएंगे? हो जाएंगे। तो इलेक्शन के बाद बेहतरी होगी? वो हो ही नहीं सकती। क्यों? पाकिस्तान में बेहतरी नहीं हो सकती। उसकी बड़ी वजह क्या है? सब भी करप्ट है, आवाम भी करप्ट है, हम लोग पैसा लेके बिक जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे,
को भी बताएं, मुझे बताएं नून लीग ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने किया। हाँ, बेनज़ीर के दौरे हुकूमत तक मसले ठीक थे, कुछ भी नहीं होना, इमरान खान ने भी कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं होगा, फिर इलेक्शन होंगे, इस मुल्क का क्या होगा फिर? अल्लाह हाफिज़। इस मुल्क का क्या होना है, हालात आपके सामने, महंगाई आपके सामने, कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ बेटा पता है इलेक्शन हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीडीएम है और नून लीग की हुकूमत इलेक्शन होने देगी? मुश्किल नज़र आ रहा है इनकी, है नहीं, दिल में बेईमानी है इनके। क्या बेईमानी है? इलेक्शन ना हो बस हमारी हुकूमत रहे। आपने किसको वोट देना है? मैंने किसी को वोट नहीं, मैं दोनों तरफ ही एक तरफ ही हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वोट दिया जाए? मेरे ख्याल में तो है, होना नहीं चाहिए, सब जो है सब मार देने चाहिए, बस कोई बाद में इसकी कोई पैदा हो जो आगे इलेक्शन कराए या कोई इंसानियत हो इसे। किसको वजीर आजम देखना चाहेंगे? TLP। आपको लगता है कि TLP आके हालात अच्छे कर देगी? PTI को भी मौका दिया है, PMLN को भी दिया है, क्यों ना एक मौका हम TLP को भी देकर देख लें। TLP का ऐसा कौन सा बंदा आपको लग रहा है कि जो आएगा और हालात अच्छे हो जाएंगे? साद रिजवी। आपको लगता है कि वो एफर्ट करेंगे? इंशाल्लाह, उम्मीद तो पूरी है, बाकी अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। आपको पता है इलेक्शन होने जा रहे हैं? हाँ सुन तो रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हो जाएंगे? पहले सोचना चाहिए था पाकिस्तान के बारे में। इलेक्शन, आपको पता है इलेक्शन होने के लिए कितना बजट होना ज़रूरी है? अगर इस तरह ही कोई भी बंदा आके अगली हुकूमत को गिरा के फिर नई हुकूमत के लिए कहे कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, पाकिस्तान के ख़जाने में जो बजट है ये इलेक्शन करवाने के लिए है भी कि नहीं है? पाकिस्तान के ख़जाने तो खाली हैं, लोग रोटी से तंग हैं। रोटी से तंग है तो फिर सोचे ना, 4 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं इलेक्शन हुए को पहले को, तो अभी इन्होंने फिर कह दिया है कि इलेक्शन करवाएं। अभी PDM की हुकूमत है तो अभी उनको करने देना काम। अभी PDM 11 जमातों का टोला है, 11 का है या 12 का है, ये 20 का भी हो, आप ये देखें कि अभी वो काम कर रहे हैं ना, तो उनको काम करने दें। क्यों उनको उतारा था इन्होंने, किसने उतारा था? पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, ये इनसे एक तारीख नहीं ली जा रही इलेक्शन के लिए। उनको पता है सब इलेक्शन के लिए डेट देना कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कि अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो किस चीज़ से करवाएं? लोगों को बुला लें कि आओ भी इलेक्शन करवाएं, ऐसे नहीं होगा, पैसा लगना है ना, तो पैसा मुल्क के ख़जाने से ही लगेगा ना, कैसे होगा? आपको पता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी पता है, सुनने में तो बहुत कुछ आया। तो आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद बेहतरी होगी? जितनी बेहतरी पहले 5 सालों में आई है उससे मजीद ही बेहतरी नज़र आएगी। नहीं, पहले 5 सालों में तो बीच में इमरान खान की हुकूमत टूट गई, उसको 5 साल पूरे ही नहीं करने दिए गए, तो अब हो सकता है कि इमरान खान आ जाए या कोई भी किसी भी एक जमात की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, ये जो हालात इतने ख़राब हुए ये सही हो जाएंगे? अल्लाह पे भरोसा रख के हम भी वोट दे देंगे, जो होगा देखी जाएगी। आप तो कुछ नहीं है वैसे। आपने वोट किसको देना है? मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी दंगल लगा हुआ और इस दंगल की भेंट सिर्फ और सिर्फ आवाम चढ़ रहे हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि हालात मेरी वजह से ख़राब हुए। इसका एक ही हल है और वो है इलेक्शन, ताकि कोई एक यकतरफा हुकूमत आए और वो जिम्मेदारी तो ले कि हालात मैंने ख़राब किए या मैंने अच्छे किए। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।